हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि एडसेंस अकाउंट कैसे बाय करना है और कहां से बाय करना है, और एडसेंस अकाउंट सेफ है बाय करना या नहीं है ये भी बताऊंगा, और अगर एडसेंस अकाउंट बाय करते हैं तो सेफ डील कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं। जैसे आजकल मेरे पास इतने सारे लोग आए हैं, बहुत लोगों से मैंने आज तक बात की अपने एक्सपीरियंस में, कि उन लोगों से स्कैम हुआ आता है। कुछ लोग होते हैं यूट्यूब बाय करते हैं, उनको यूट्यूब चैनल ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो भी मैं बताऊंगा आपको यूट्यूब चैनल कैसे बाय करना है और यूट्यूब चैनल ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से किया, तो वो भी मैं बता दूंगा। मैं इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल खोलना है अपना। देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है। हमें पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है, और क्रोम ब्राउज़र में खोलने के बाद हमको सबसे पहले गूगल सर्च करना है, गूगल। गूगल जब हमारा खुल जाता है तब हमको सिर्फ गूगल पे फ्लिपर डील डाल के टाइप करके सर्च करना है, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, FLIPPA FlipperDeal.com, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्लिपर डील मैंने सर्च किया, मैंने इसको, अब देखें नीचे रिजल्ट में क्या आता है। नीचे आप देखेंगे रिजल्ट में आ रहा है वेबसाइट फ्लिपर डील, एक सेकेंड, ये देखिए ये फ्लिपर डील नाम से है। ये लॉग इन ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे लिखा फ्रेड्स एडसेंस अकाउंट, ठीक है। और एक बात और, अगर मान लीजिए फ्लिपर डील टाइप करने पे नहीं आता है, तब आप यहाँ पर FlipperDeal.com डाल के टाइप करेंगे, एक सेकेंड, हाँ ये मैंने स्पेलिंग गलत टाइप कर दिया है, FlipperDeal.com टाइप करेंगे तो आपका फ्लिपर डील देखिए आ जाएगा, टॉप पर वेबसाइट आएगा। अब हमें बस इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये एक मार्केट प्लेस है फ्लिपर डील। इस पे क्या है कि इस पे जैसे कोई यूज़र होता है, इस पे अपने एडसेंस अकाउंट सेल करता है। जैसे आपने OLX देखा होगा, OLX पे लोग अपना मोबाइल सेल करते हैं, बाय करते हैं, वैसे ये भी एक मार्केट है। इस पे यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू फ्लिपर डील इंडियाज बिगेस्ट डिजिटल मार्केट प्लेस टू सेल योर बिजनेस, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप अपना एडसेंस अकाउंट सेल कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑल कैटेगरीज में यहाँ पे दिखा रहा है, एडसेंस अकाउंट ऐप्स, सोशल अकाउंट्स, सोर्स कोड, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिसेंट में एक बंदे ने पोस्ट डाल रखा है यूके रिसे, एक मिनट में आपको टिक करके दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे लिखा रखा है यूके रिसेंट एडसेंस अकाउंट, एक लिखा है यहाँ पे फ्रेश एडसेंस अप्रूव वेबसाइट DJRemix.com। तो चलो मैं इनमें से कोई आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, एक सेकेंड खोल के। सपोज मान लें आप पे एक अकाउंट दिख रहा है codevisor.net, ठीक है, आपको ये अकाउंट दिख रहा है ये codevisor.net, तो इस वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है, एक सेकंड, अभी हमने ये हम पोस्ट खोल लिया है। अभी देखिए यहाँ पे जो है codevisor.net फॉर सेल गुड कॉन्टेंट एंड गुड डिजाइन। अब देखिए यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है, एड आईडी, यहाँ पे एड आईडी दिखा रखा है, देखो एड आईडी, ठीक है, ये एड आईडी हमारी, और एडिट कब ऐड किया गया ये एड, ये 20 जुलाई 2022 को किसी ने इस पे ऐड किया है, और इस प्राइस इस बंदे ने डाल रखा है $70, ठीक है, और रेगुलर प्राइस है इसका $100, और टोटल 28 व्यू आए हैं। मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वेबसाइट विजिट करके देख लेंगे एक बार। जब वेबसाइट पर जब क्लिक करेंगे, देखिए वेबसाइट, सॉरी अभी तो वेबसाइट ये खैर ओपन नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी दूसरी वेबसाइट ओपन करके देख लेंगे, एक मिनट। यहाँ पे हम जाते हैं होम पे, होम पे जाने के बाद फिर अब हम जाते हैं नीचे, तब हम इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक फ्रेश एडसेंस अवेलेबल फॉर सेल, देखिए इसको देख लेते हैं, किसी ने $110 का डाल रखा है अकाउंट, और ये देखिए
हाँ भाई, इस बंदे ने स्क्रीन शॉट डाल रखा है अपना एडसेंस अकाउंट का, मैंने वेबसाइट डाल रखा है, वेबसाइट पर जब विजिट करेंगे क्लिक करके वेबसाइट खुल जाएगा। देखिए djwebking.com.com, ठीक है। अब यहाँ पे इस बंदे ने सेल लिंक लिस्ट के लिए डाल रखा है, शायद ये सेल भी हो चुका होगा क्योंकि काफ़ी पुराना पोस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, आप अपना एडसेंस अकाउंट सेल करना चाहें तो आप लिस्ट कर सकते हैं, और बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है पे विद फ्लिपा डील, ठीक है। ये पे विद फ्लिपा डील लिखा है, ये इसलिए लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सपोज मान लीजिए आपको एडसेंस अकाउंट बाय करना है, अगर आप बाय करना चाहते हैं और किसी सेलर ने इस वेबसाइट पर लिस्ट कर रखा है, तो आप इसमें डायरेक्ट सेलर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे सेलर का डिस्क्रिप्शन डिटेल होगा, देखो यहाँ पे सेलर की प्रोफाइल लिखा रखा है। ये सेलर की प्रोफाइल है, जो जिस बंदे ने इस ऐड को डाला है इस पर, उसका प्रोफाइल है। और नीचे यहाँ पे इसका ये जीमेल भी दिख जाएगा, और इसके नीचे एक मिनट, यहाँ पे रिवेल पे क्लिक करेंगे तो इसका नंबर भी दिख जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे हम रिवेल पे क्लिक करते हैं, देखिए इसका नंबर दिख गया। इसका मतलब आप इस पे इस बंदे को कॉल करके डायरेक्ट जो है एडसेंस अकाउंट बाय कर सकते हैं। अब ये किस बंदे ने डाला है, वो तो सेलर हो गया, वो तो इस पे सेल कर रहा है, और आप बाय कर रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करेंगे, उस बंदे से बाय करेंगे। तो इसमें फ्लिपा डील जो वेबसाइट है इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सपोज मान लीजिए अगर कोई बंदा आप डील सही से नहीं कर पाते, या फिर किसी के साथ डील सक्सेसफुल डील नहीं होती, कोई दिक्कत होती है, स्कैम वगैरह होता है, तो उसका जो फ्लिपा डील जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि आप उस बंदे से डायरेक्ट डील कर रहे हैं। अगर आप बीच में फ्लिपा डील से डील करते हैं तब आपको फ्लिपा डील जो 100% जो है सिक्योरिटी देगी। अब वो कैसे देगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है पे विद फ्लिपा डील। सपोज मान लीजिए आप बायर हैं, आपने पेमेंट किया फ्लिपा डील को, इसका कितने का ये सेल हो रहा है, इसका रेट कितना है, $110 है। मान लीजिए आपने $110 फ्लिपा डील को पेमेंट किया, और फ्लिपा डील क्या करेगी, जो एडसेंस अकाउंट है सामने वाले बंदे से ले करके आपको देगी। जब तक ये अकाउंट आप पूरी तरीके से लॉगिन नहीं कर लेते हो, तब तक आप हमसे ये नहीं बोलोगे हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, सब चीज़ पासवर्ड डिटेल्स हमने सब चीज़ चेंज कर लिया, तब तक हम सेलर को पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और फ्लिपा डील का बस यही काम होता है, वो आपसे पेमेंट लेगा, सामने वाले बंदे को पेमेंट करेगा, तो वो फ्लिपा डील पेमेंट रख लेता है और आपको अकाउंट दे देगा जब आपके पास अकाउंट प्रूफ पहुँच जाएगा, उसके बाद सामने वाले पेमेंट करेगा। जब तक पेमेंट हमारे पास रखा रहेगा, समझ लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो। मान लीजिए एक निखिल है और मान लीजिए एक जयेश है, जयेश मेरा ही नाम है खैर, और निखिल भी मेरे फेसबुक का नाम है, मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक निखिल है, निखिल सेलर है, निखिल ने वेबसाइट इस पर लिस्ट कर दिया सेल करने के लिए, और एक जयेश है जो बाय करना चाहता है। तो जयेश अगर निखिल से डायरेक्ट डील करता है तो उसमें फ्लिपा डील तो बीच में नहीं है, उसमें तो उनकी उनका जो भी डील होगा फ्लिपा डील को मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर वही जयेश फ्लिपा डील को पेमेंट करता है तो फ्लिपा डील क्या करेगी, फ्लिपा डील जो है वो जयेश से पेमेंट लेने के बाद पहले निखिल से कॉन्टेक्ट करेगी, निखिल से एडसेंस अकाउंट लेने के लेकर के आपको लॉगिन कराएगी, आपका सारा पासवर्ड डिटेल सब चीज़ चेंज करवाएगी, ओके जब आप बोल दोगे, जब तक आप नहीं बोलोगे सक्सेसफुल डील या फिर ओके आप पेमेंट कर दो, आप बोल दोगे तब फ्लिपा डील निखिल को पेमेंट करेगी। तो इस तरह से प्रोसेस होगा। बाकी आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट के नीचे नंबर भी दे रखा होगा, यहाँ पे दिखा रखा नंबर, देखिए ये है, ये नंबर दे रखा है 999-044-6905। बाकी ये नंबर चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस का नंबर होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब देखिए मैं आगे बात करता हूँ कि मेरा दूसरा सवाल था कि एडसेंस अकाउंट बाय करना सेफ है या नहीं है, या बाय करना चाहिए नहीं। देखिए गूगल की पॉलिसी के अनुसार हम तो एडसेंस अकाउंट बाय नहीं कर सकते हैं और ना ही हम सेल कर सकते हैं, गूगल की पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम एडसेंस अकाउंट बाय करते हैं, एक तरीका होता है बाय करने का, उस तरीके से बाय करते हैं, तब हमारा एडसेंस अकाउंट 100% सेफ होता है। हमने हजारों एडसेंस अकाउंट बाय किए, हजारों सेल किए हैं, हमारा जो है कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास जो है बहुत अकाउंट आते हैं सेल करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप एडसेंस अकाउंट किसी से परचेज करते हैं, तो उसका जो जीमेल होता है उसमें आप रिकवरी नंबर अपना डाल देते हैं,
परचेज करने के बाद, और जो आपने रिकवरी नंबर अपने एडसेंस अकाउंट में डाला है परचेज करने के बाद, वही अपने रिकवरी नंबर किसी दूसरे जीमेल में जिसमें परचेज किया उसमें डाल रखा है, तो उसमें जो है कोई दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन गूगल उसे डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि दो एडसेंस अकाउंट में सेम मोबाइल नंबर है, गूगल डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आज तक मुझको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे एक मोबाइल नंबर 10-10 एडसेंस अकाउंट में होते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है बाय सेल करना पड़ता है, तो जब मैं क्लाइंट से लेता हूँ एडसेंस अकाउंट तो अपना नंबर ऐड कर देता हूँ, जब मैं किसी दूसरे सामने वाले पार्टी को सेल करता हूँ तो वो बंदा मेरा नंबर रिमूव कर देता है, ऐसे करके मेरे डेली जो है बहुत एडसेंस अकाउंट में मेरे नंबर ऐड होते हैं। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया है, और वैसे ही मेरे पास अभी बहुत सारे अकाउंट पड़े हैं कंप्यूटर में, अभी मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में दिक्कत आ रखी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वही आपको बस खाली सावधानी बरतनी है कि हाँ एडसेंस अकाउंट सेफ कैसे रखना है, तो अपना जो है मोबाइल नंबर किसी फैमिली मेम्बर का डाल दीजिए किसी का भी, एंड अगर मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, उसमें आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन जो लगाइए एक बार मोबाइल नंबर से, और जब 2-स्टेप वेरिफिकेशन लग जाए तो उसमें ऑप्शन आता है एक ये रिकवरी कोड का, रिकवरी कोड जनरेट करके डाउनलोड कर लीजिए, हैंड टू ऑथेंटिकेशन ऐप होता है वो डाउनलोड कर लीजिए, वो उसका सेटअप कर लीजिए, और उसके बाद मोबाइल नंबर अपना रिमूव कर दीजिए और एक रिकवरी नंबर ऐड कर दीजिए। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका, नंबर वन तरीका बता रहा हूँ, एडसेंस अकाउंट जब किसी से बाय करे तो अपने मोबाइल में लॉगिन कर लीजिए, तुम्हारे मोबाइल नंबर रिकवरी नंबर ऐड करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा वो एडसेंस अकाउंट कोई दूसरा बंदा लॉगिन करता है ना, तो 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपके मोबाइल पे ना पॉपअप में आ जाता है फुल स्क्रीन पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये था, और तीसरा हमारा सवाल था डील कैसे करनी है, वो तो मैंने आपको बता दिया डील कैसे करनी है। आप फ्लिपर डील से डील करना चाहते हैं फ्लिपर डील से कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट किसी पार्टी से डील करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। अब आपके पास वेबसाइट है सेल करने, तो आप इस पर लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइसिंग दिखाया जाए तो एकदम फ्री है। देखिए एक मिनट, प्राइसिंग प्लान में जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए प्राइसिंग प्लान में, देखिए यहाँ पे फ्री है फर्स्ट प्लान, इसमें आपको जो है 2 रेगुलर एड मिलेगा लिस्ट करने के लिए, ठीक है, और उसकी सेकेंड प्लान है यहाँ पे 280 रुपये है, ठीक है, तो 280 रुपये इसमें आपको 2 फीचर ऐड मिलेगी, 2 रेगुलर ऐड मिलेगी, ठीक है। तो फीचर ऐड का मतलब है जो टॉप पे आती है, और जो फ्री वाले प्लान में टॉप फीचर ऐड 0 है, 2 रेगुलर ऐड है। उसके बाद फिर आपका थर्ड प्लान आता है, ये है 2999 है, या फिर 1999 डेस्कटॉप में दिखेगा, इसमें भी सही नहीं आता मोबाइल में, तो इसमें आपको जो है 10 फीचर ऐड मिलेगा, 1 रेगुलर ऐड अवेलेबिलिटी मिलेगी। अगर आपको ये लगता है कि प्राइस हाई है या फिर रेट ज़्यादा है हमारा, तो मैं उसका भी आपको तरीका बता रहा, देखिए कितना हाई है कितना कम है वो भी दिखाता हूँ, FLIPA.com। अब ये देखिए FLIPA.com एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट नहीं है, ये काफ़ी 10-20 साल पुरानी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे लोग अपना बिजनेस सेल करते हैं, बिजनेस बाय करते हैं, इस पे 1-1 लाख के 10-10 लाख के और यहाँ पे 1-1 करोड़ के बिजनेस सेल होते हैं, ठीक है, इस पे हमको एडसेंस अकाउंट भी मिल जाते हैं। अब अगर हम इस पे सर्च करेंगे, जैसे मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं डालता हूँ, टाइप करता हूँ ADSEN एडसेंस, ठीक है, एडसेंस डाल के मैंने सर्च किया। अब देखिए जब मैं एडसेंस अकाउंट एडसेंस डाल के सर्च करता हूँ, यहाँ पर नीचे बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, अब उनका रेट भी देख के हाई होगा, लेकिन जो ये फ्लिपा जो वेबसाइट है इसको मैंने अभी खोल रखा है, इसमें एक चीज़, इसमें आपने डायरेक्ट ना कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट जो है ना फ्लिपा पेमेंट लेता है, लेकिन फ्लिपा गारंटी लेता है कि अकाउंट पूरा दिलवाने की, कोई आपके साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन हाई रेट होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये एडसेंस अकाउंट है पहला, दूसरा दिखा देता हूँ, दूसरा एडसेंस अकाउंट दिखा रखा है यहाँ पे, कॉन्फिडेंशियल डोमेन नेम नहीं दिखाया, तीसरा देखिए, तीसरा इसने डाल रखा है, सॉरी ये दूसरा एडसेंस अकाउंट था, दूसरा एडसेंस अकाउंट का रेट ये है, देखिए ये इसका रेट है, नीचे एक मिनट, ये देखिए ये इसका रेट है, ठीक है, $8,000 मैं इसको खोल के दिखाने में टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम आपका भी ख़राब होगा, मैं तो आपको बता दूँगा, आप खुद ही इस वेबसाइट विजिट करके एक बार चेक कर सकते हैं, इस पर आपको कम से कम अगर लोएस्ट देखा जाए तो $500 का एक वेबसाइट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देखते हो आपको $500 का एक एडसेंस अकाउंट मिलेगा, वेबसाइट वगैरह, और वो भी बहुत कम लोगों को, जो कि
500 में देंगे, सब लोग नहीं देंगे। और आपको $500 में जो वेबसाइट यहाँ पे $500 में मिलेगी, समझ लो डोमेन नेम एकदम क्वालिटी का नहीं, एकदम बेकार होगा। ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का डोमेन नेम लोग एडसेंस अकाउंट में चाहते हो, कम से कम तुम्हारे यहाँ पे $1,000 $1,500 से ऊपर ही जाएगा एडसेंस अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट फ्लिपकार्ट डील से अगर आप डील करते हो, तो इसमें क्या है, इसमें आप तो वैसे वेबसाइट इसमें अपनी सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट जो है फ्लिपकार्ट डील को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे पास हज़ारों वेबसाइट आती है डेली सेल करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ जो है वो रीसेलर होते हैं जो कि हमको प्रोवाइड करते हैं सेल करने के लिए, और वो हम आगे सेल करते हैं। हमारा जो मेन काम ही यही है। अगर आपको जैसे हमारे पास जो रीसेलर होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि एक साथ जो है 600-700 डोमेन होता है, हज़ार डोमेन होता है, उन 600-700 डोमेन के एक साथ रिव्यू में डालते हैं, एक साथ रिव्यू में डालते हैं, तो उनमें से कम से कम 100-200 वेबसाइट का अप्रूवल हो जाता है गारंटी, और उनको एक्सपीरियंस होता है अप्रूवल लेने। तो मैं तो अप्रूवल वगैरह बहुत कम करता हूँ, अपना वेबसाइट अप्रूवल कराता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अप्रूवल करके सेल करता हूँ मैं अपना भी, लेकिन मैं अपना कम कराता हूँ। मैं दूसरे जो रिसेलर्स होते हैं उनके पास से मैं बस बहुत सारी वेबसाइट आते हैं, जैसे उसने 4 दे दी, उसने 10 दे दी, उसने 20 दे दी, ऐसे करके मैं बहुत सारी वेबसाइट आती है, सबका रेट जो है किसी एक कम होता है किसी ज़्यादा होता है। तो वही मैं मिला जुला कहना चाहता हूँ कि फ्लिपर जो वेबसाइट दिखी आपको, इससे चीप रेट में हमारे पास वेबसाइट मिल जाएगी आपको। हमारे पास कम से कम लगा लीजिए 10,000 से स्टार्टिंग है, 10,000 से स्टार्टिंग है, 15,000 तक की वेबसाइट मिल जाती है, एडसेंस अकाउंट प्लस डोमेन नेम और प्लस आपका जो गूगल एनालिटिक्स वगैरह सारे सिंगल जीमेल में, सेपरेट जीमेल में होता है। अभी मैं लैपटॉप पे नहीं, अगर मैं लैपटॉप पर होता तब आपको मैं पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको लैपटॉप पे कितने एडसेंस अकाउंट है मेरे पास अभी। ठीक है, और हम लोग जब वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइन का PHP में बनाना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट के लिए विजिट कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, flipkart.com। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट विजिट करना है, और इस पर आपको जो डायरेक्ट जो है इस पर लिस्ट कर सकते हैं, अपना बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है सबसे नीचे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। एक मिनट, ये लोड नहीं हो रहा है क्या, शायद लोड धीरे धीरे हो रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए, देखिए आ गया है, यहाँ पे सबसे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और फिर आप डायरेक्ट जो है इनके व्हाट्सएप नंबर से भी कॉन्टैक्ट, देखो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, फेसबुक ग्रुप हो गया और टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है इनका। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड की वेबसाइट है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इनका क्या है, देखो यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन होने का ये फ़ायदा मैं बता देता हूँ। सपोज मान ली व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन आए, तो इसमें क्या है, इनके पास ना डेली एडसेंस अकाउंट आते हैं, डेली जो जो डोमेन नेम आते हैं ना सारे डोमेन नेम ये ग्रुप में डालते हैं, और ग्रुप में अच्छे अच्छे कभी को डोमेन नेम, मतलब इतने अच्छे अच्छे डोमेन नेम, जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, info newsgo.com, इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट जो होती है ना जिसका वैल्यू $500 तक का होता है, वो वेबसाइट यहाँ पे ना $200 में बेच जाती है आराम से। अब मैं आपको, आप अपनी वेबसाइट सेल करवा सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप के ज्वाइन होकर दिखाता हूँ। देखिए मैंने व्हाट्सएप खोला, ज्वाइन होने के बाद हमारा ये देखिए, हमारे पास इतने सारे ग्रुप हैं, सूर्य डिजिटल सर्विस, एडसेंस सेल, एडसेंस सेल, ये सभी आपको जितने भी दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये सभी एडसेंस के ग्रुप है, ये सारे ए टू जेड एडसेंस के ग्रुप है। और यहाँ पे नीचे जो लिखा है flipkartdeal.com marketplace, ये जो है ये flipkartdeal का ग्रुप है। इसमें देखिए कल इन लोगों ने एडसेंस डाला है, पिन वेरीफाइड एडसेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतने सारे जितने भी डोमेन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एडसेंस अकाउंट अवेलेबल फॉर सेल्स। देखिए ये है फ्रेश एडसेंस अवेलेबल फॉर सेल्स। ठीक है, अभी ये सेम डोमेन नेम आपको दिख रहा होगा, बस थोड़ा फर्क दिख रहा होगा। अभी इनको ना बस अप्रूवल से मतलब होता है। अब अभी वैसे इन लोगों ने फूड पे बहुत से लोग अप्रूवल ले लेते हैं, बहुत से लोग जो है किसी न्यूज़ वेबसाइट बनाकर अप्रूवल लेते हैं। अब ये सारी वेबसाइट जो है फूड पे, हम आपको दिखा देते हैं एक वेबसाइट ovencost.com। देखिए अभी देखिए ये वेबसाइट जो है सारी फूड पे, शायद ये सेल हो चुकी है इसलिए इस पर थीम बदल गई, जिस बंदे ने बाय किया तो उसने इसका जो है चेंज कर दिया वो थीम, शायद ये भी सेल हो गई। फर्स्ट वाले चेक करते हैं एक बार, ओवन सीक नहीं खुल रही, पर ठीक है।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल देंगे। अगर आपको एडसेंस अकाउंट में दिक्कत आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि एडसेंस अकाउंट में किसी और को बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं या नहीं, या फिर कुछ भी हजारों इश्यू होते हैं एडसेंस अकाउंट में, हर एक इश्यू का सोल्यूशन हम देंगे। और एडसेंस लोडिंग भी हम लोग करते हैं, जैसे बहुत से लोडिंग के बारे में आपको नहीं पता होगा तो वो भी स्क्रिप्ट में वीडियो बना दूंगा, एडसेंस लोडिंग कैसे करना है, तो सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आपको लास्ट पेमेंट में देखना है तो लास्ट पेमेंट भी दिखा देता हूँ, एक मिनट, अपने एडसेंस अकाउंट में ये $2200 आपको माइनस में दिख रहा होगा अभी, ये देखिए यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ ऑटोमेटिक वायर ट्रांसफ़र, देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिक वायर ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट का डिटेल भी दे रखा है, लास्ट 2-4 डेज और बैलेंस भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर जो है हमारा बैलेंस था $2174 का हमारा पेमेंट रिसीव हुआ था, और जब पेमेंट रिसीव हुआ था तो उसके बाद फिर ये हमारा इनवैलिड का कट गया था अगले महीने, मतलब ये नेक्स्ट मंथ का है, इस मंथ का नहीं है। जैसे हमारा जो है नेक्स्ट मंथ का, ऐसे कि इसमें क्या हुआ था कि हमने एक मंथ में तो $2200 रिसीव कर लिया, सेकंड मंथ में हमने जो है तो हमें बीच में गैप डालना था, तो गैप नहीं डाला हमने, तो उसी वजह से अकाउंट क्लोज हो गया। बाकी हमारा पेमेंट तो आ गया अकाउंट में, पेमेंट प्रूफ चाहिए तो पेमेंट प्रूफ भी मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मैं इसमें पर्सनल डिटेल लॉग इन करके दिखा नहीं सकता।